वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है अगेन इस लेक्चर में, जहां पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर न्यूज विच इज रिलेटेड टू द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टली कॉल्ड एज SCO. आपको पता है भारत का अमृतकाल एक काफी अच्छे नोट से स्टार्ट हुआ है. भारत के अमृतकाल में वी हैव गॉट द G20 प्रेसिडेंसी. भारत के अमृतकाल में वी आर गोइंग टू प्रिसाइड ओवर द SCO समिट. And that's a very great news, and that's a very motivational start for India's journey, where India has taken a pledge to become a developed economy in the coming 25 years. और अगले 25 साल में इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे बढ़ेगा, और उसी के मद्देनज़र हमारा जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है, हमारा जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, जो हमारा हमेशा से एक रहा है कि वी आर द रूल टेकर्स, नाउ वी हैव दैट पोटेंशियल टू बिकम द रूल मेकर्स. और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज SCO समिट के बारे में हम लोग बात करेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में G20 समिट के बारे में बात किया था, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग SCO समिट के बारे में बात करेंगे. और SCO समिट को समझने के पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि SCO समिट का ऑरिजिन क्या है, SCO एज अ प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया था, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे SCO का इंडियन पर्सपेक्टिव, राइट? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड SCO. तो अगर SCO की बात करते हैं तो इट्स अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी अलायंस. यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशिया. उसका एक पॉलिटिकल अलायंस है, उसका एक इकोनॉमिक अलायंस है, और उसका एक सिक्योरिटी अलायंस है. पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल आपका एक एजेंडा के ऊपर बात करता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक द एग्जाम्पल कि अगर मान लो यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात हो जाए, सो दैट्स अ पॉलिटिकल इशू. तो उस बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन आपका कोऑपरेट करता है. देन कमिंग टू इकोनॉमी, किस तरीके से इस पूरे एरिया में आपको ट्रेड बढ़ाया जाए, आपका ट्रेड इन सर्विसेज बढ़ाया जाए, ट्रेड इन गुड्स बढ़ाया जाए, तो इन चीज़ों के लिए आपका इकोनॉमिक अलायंसेस है. देन फाइनली सिक्योरिटी, कि कैसे इस एरिया में टेररिज्म का थ्रेट, इस एरिया में साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट, इन सारे इमर्जिंग और एग्जिस्टिंग थ्रेट्स को काउंटर किया जा सके. सो दैट्स व्हाई इट्स अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंसेस. नो, SCO को बनाया गया था 2001 में, लेकिन इसका प्रीकर्सर था हमारा शंघाई 5. तो शंघाई 5 जो 1996 में बनाया गया था, आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से कंट्री हैं, चाइना, रशिया, कजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड देन फाइनली कजाकिस्तान. और इसी शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में अपग्रेड करके SCO बनाया जाता है बाय द इंक्लूजन ऑफ उज्बेकिस्तान. अब बात आता है कि SCO को बनाया क्यों गया था. अब यहां पे आपको समझाना जरूरत हो जाता है. आपको पता है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया एंड द वर्ल्ड ऑर्डर चेंज फ्रॉम बाईपोलर टू अ यूनिपोलर, there was an American hegemony which got established. And then after the 9/11, the American hegemony was pushed to a greater heights because America uske baad apne power ka kafi zyada use kar pa raha tha, legitimately use kar pa raha tha, because uske country pe terrorist attack hua tha. And now in that context, US was intervening in different parts of the world in the name of countering terrorism. और यहीं पे आपको जितने भी बाकी कंट्रीज हैं उनको समझ में आ गया था कि नाउ वी हैव टू कम टुगेदर एंड रेसिस्ट द अमेरिकन हेजेमनी. इसलिए 2001 में SCO बना, 2006 में RIC रशिया इंडिया चाइना प्लेटफॉर्म बना, उसी समय आपको ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बना. तो ये जितने भी कंट्रीज थे, दे वर ट्राइंग टू एंश्योर कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, दे वर ट्राइंग टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन हेजेमनी इन देयर बैकयार्ड. They were trying to ensure a democratic world order. तो उस context में ये जो 2001 से लेके 2005-06 जब American hegemony अपने काफी peak पे था, up till 2008 global financial crisis जहां से west का decline start हुआ है, तो ये जो समय था 2001 से लेके 2008 तक, that moment was the peak of American hegemony. और इसी समय बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे जो उस अमेरिकन हेजेमनी को रेसिस्ट करना चाहते थे. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट द फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज बिल्ट, दैट वाज इन द ईयर 2001, द फॉर्मेशन ऑफ SCO, राइट? सो इट वाज प्रमोटेड प्राइमरली बाय चाइना एंड रशिया. SCO को बनाने के पीछे जो अहम भूमिका अपनाया गया था वो आपको चाइना और रशिया के द्वारा किया गया था, राइट? To promote the inner Asia stability and limit the American reach in Central Asia.
टू प्रमोट इनर एशिया स्टेबिलिटी एंड लिमिट द अमेरिकन रीजन सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो बेसिकली इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस पूरे एरिया में, इस पूरे बैकयार्ड, जो रशिया का बैकयार्ड है, आपको पता है कि जो सेंट्रल एशिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये कहा जाता है कि दुनिया पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके सेंट्रल एशिया में मिल जाते हैं। तो सेंट्रल एशिया हैज ह्यूज यू नो रिसोर्स एंड ऑल्सो उसका जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। और सेंट्रल एशिया को रशिया अपना क्या मानता है? बैकयार्ड। सेंट्रल एशिया को चाइना क्या मानता है? अपना नियर वेस्ट। तो सेंट्रल एशिया में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम करना, अमेरिकन हेजमनी को रेसिस्ट करना, इसीलिए एससीओ को बनाया गया था। ठीक है, देन फाइनली 2004 में एससीओ का सेक्रेटेरिएट भी बनाया गया चाइना में। ठीक है, तो इसको समझने में आपको बस एक चीज समझना है। अगर आप इतना चीज नहीं भी याद रखते हो, इट डज नॉट मैटर, देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू आस्क यू ऑल दीस थिंग्स, ईयर कब बना। आपको बस याद रखना है कि जो 2001 से लेकर 2008 का समय था, इस समय ऐसे बहुत सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल एससीओ, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल रिक, और इनका यही पर्पज था कि अमेरिकन हेजमनी के इन्फ्लुएंस को कम करना, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर एंश्योर करना। ठीक है, बिकॉज अमेरिकन हेजमनी पहली बार कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1991 में, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। एंड सिंस 9/11 व्हेन अमेरिका वाज अंडर अटैक एंड देन बुश डिक्लेयर्ड द वॉर ऑन टेरर, और उसके बाद अमेरिका वाज ब्लेटेंटली यूजिंग इट्स पावर इन द नेम टू काउंटर टेररिज्म। सो उससे अमेरिकन हेजमनी 2001 के बाद इट गॉट पम्प्ड अप। And in this context, all these regional platforms got established. So, ये context आपको याद रखना है कि SCO किस context में बनाया गया था, right? Next, coming to membership, कौन-कौन SCO के member हैं? तो 40% of the world's population and 20% of the world's GDP comes from SCO. सबसे latest entrant क्या है? 2017 में India and Pakistan became member of SCO. अब क्यों इंडिया को बनाया गया मेंबर, क्यों पाकिस्तान को बनाया गया मेंबर? तो ये कहा जाता है कि इंडिया को SCO में मेंबर बनाने के पीछे रशिया का बहुत बड़ा हाथ था। देन पाकिस्तान को SCO में लाने के पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, सो हमेशा आप ये समझोगे, जहां भी इंडिया, जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इंडिया को सीट चाहिए तो चाइना विल प्ले द पाकिस्तान कार्ड, बिकॉज चाइना को क्या है कि इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहो आपस में यार, तुम लोग इंडिया को वो क्या करना चाहता है? काउंटर, तो ले आओ पाकिस्तान को। तो इसलिए इंडिया का इंक्लूजन में एक रशिया का बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज रशिया wants to counter the influence of China. देखो, हम लोग रशिया चाइना के रिलेशन जब हमने YouTube पे रिकॉर्डिंग पे आपको लेक्चर में दिया था, उसमें हमने बात किया था कि जो रशिया चाइना की आज दोस्ती है, उस दोस्ती केवल दिखती है, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं रशिया चाइना के बीच में वो बहुत बड़े हैं। इसलिए those two countries which is now in a no limits friendship, soon they will be entering into a major conflict in the near future. That's why, because the structural underpinning of those relationship is very weak, right? तो इसीलिए रशिया और चाइना, although वो अच्छे friend हैं, but उनके बीच में बहुत ज़्यादा problem है, और इसीलिए रशिया always needs India to balance China. तो जैसे India always needs Russia to counter the China, वैसे रशिया ऑलवेज नीड्स इंडिया टू काउंटर चाइना, बैलेंस चाइना। ठीक है, सो रशिया चाइना का रिलेशनशिप बढ़ा है, वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बढ़ा है, बिकॉज रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं आफ्टर दिस यूक्रेन वॉर, एंड दैट्स व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड चाइना हैज इंक्रीज्ड। बट दैट डज नॉट मीन कि इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन रशिया एंड रशियाज डिपेंडेंसी ऑन इंडिया विल गो डाउन, बिकॉज दे बोथ आर यूनाइटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट इन काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना।
because Russia has been a great power, and a great power cannot become a junior partner of China, and hence Russia will always fight for its again autonomy the way India fights for its autonomy. So India ka bhi relationship west ke sath badha, US ke sath badha, but still India has a good relation with Russia, and that's what we saw during the Ukraine Russia war, where India boycotted any attempt to veto or to give a assent to a resolution brought by the West at United Nations. So this is what you have to understand. Aapko main ye extra knowledge isliye de raha tha because you have to understand that Russia, India, US, aur agar aapko samajh nahi aa raha hai to ek detailed video humne already dal rakha hai, आप जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे डायनेमिक्स चलता है और कैसे पाकिस्तान और चाइना का डायनेमिक्स चल रहा है। देन 2022 में ईरान और बेलारूस देयर प्रोबेबली गोइंग टू सून जॉइन द एससीओ, और आपको पता भी एससीओ समिट इंडिया में होने वाला है, और अभी जस्ट हमारे एनएसए अजीत डोवाल वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिलते हैं एससीओ समिट के पहले, तो हो सकता है कि अब तुरंत इनकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और बाकी ऑब्जर्वर स्टेट्स है हमारे अफगानिस्तान है, मंगोलिया। सो ये देख सकते हैं हमारा, ये है आपके एससीओ का मैप, तो इसमें देख सकते हैं ये सेंट्रल एशियन मेंबर स्टेट, जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है आपका, ये आपका रशिया हो गया, ये आपका सेंट्रल एशिया, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, और ये आपका चाइना, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये आप सॉरी ये सेंट्रल एशिया और ये आपका रशिया। सो दिस रशिया, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, मंगोलिया, मंगोलिया एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है। सो ये आपके इतने कंट्रीज एससीओ के मेंबर हैं। सो एससीओ के मेंबर स्टेट्स, ऑब्जर्वर स्टेट्स, अब उसी में ईरान और बेलारूस प्रोबेबली आर गोइंग टू सून ज्वाइन द एससीओ। ऑब्जेक्टिव्स क्या था एससीओ का आना, तो एक तो हमने बात कर लिया था जो कि मेजर ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव था, वाज टू रेसिस्ट द अमेरिकन हेजेमनी, ठीक है, वो रियल ऑब्जेक्टिव था, टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका इन सेंट्रल एशिया व्हिच इज प्राइमरली द बैकयार्ड फॉर बोथ चाइना एंड रशिया, सो एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और सेंट्रल एशिया में आपको पता है इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन भी है, और अगर सेंट्रल एशिया में कुछ प्रॉब्लम आता है तो रशिया में भी प्रॉब्लम आएगा, चाइना में भी प्रॉब्लम आएगा, इंडिया में तो आएगा ही। सो दैट्स व्हाई एससीओ वाज प्रमोटेड बाय रशिया एंड चाइना इन ऑर्डर टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट, एनहांस इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट, प्रमोट कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड। ये सब इजी है, कोई भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का या रीजनल प्लेटफॉर्म्स का यही ऑब्जेक्टिव होता है। सेफगार्ड रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। किस रीजन की बात हो रही है? वही सेंट्रल एशिया वाला रीजन की बात हो रही है, अफगानिस्तान वाले रीजन की बात हो रही है, इन रीजन के बारे में बात हो रही है, ये वाले रीजन की जो काफी ज्यादा आपका डिस्टर्ब रीजन होता है, यहाँ पे अफगानिस्तान आ गया, सेंट्रल एशिया में आपस प्रॉब्लम है, तो कैसे इस पूरे एरिया में एक तो अमेरिकन हेजेमनी के इन्फ्लुएंस को कम करना, रीजनल स्टेबिलिटी एंश्योर करना, इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ाना, पॉलिटिकल कोअलिशंस बढ़ाना सो दैट दे कैन कलेक्टिवली टॉक एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाना, यही सारे ऑब्जेक्टिव थे एससीओ के। डेमोक्रेटाइज करना वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, क्रिएट अ डेमोक्रेटिक इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, राइट। सिग्निफिकेंस, तो आखिर एससीओ का सिग्निफिकेंस है क्या? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। हमने देखा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्टेक्स्ट, मेंबर्स, नाउ लेट्स कम टू द सिग्निफिकेंस क्या है एससीओ का। सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस, इट्स नॉट अ अलायंस बेस्ड, इट्स नॉट लाइक अ नाटो। अलायंस में क्या होता है, मतलब यू वर्क एज कलेक्टिवली, जैसे नाटो हो गया, इट्स एन अलायंस, यूएस ऑस्ट्रेलिया अलायंस, बट दिस इज नॉट अ अलायंस, इट्स अ इशू बेस्ड पार्टनरशिप वाला प्लेटफॉर्म, इट्स अ इशू बेस्ड डायलॉग ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर। मतलब कंट्रीज आर हेयर टू नेगोशिएट ऑन सम स्पेसिफिक इशूज, दे आर नॉट फॉर्मिंग अ मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, नाटो क्या है? एक तरीके का मिलिट्री अलायंस है विच इज फॉर्म्ड अगेंस्ट रशिया।
So this is not an alliance. This is simply a platform where the countries will come together, deliberate on some specific issues, which is a common concern for all of them. And all such dialogue, negotiations, deliberations will be happening as per the principles of United Nations Charter. Second, SCO RATS. SCO ka ek RATS karke aapko pata hai, regional anti-terror structure. जिसके अंदर जितने भी इस पूरे एरिया में टेररिज्म है उसको काउंटर करने के लिए एससीओ रैट्स का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। एंटी टेरर एक्सरसाइजेस होते हैं इनके। काउंटर वेट टू नाटो, अब उस समय से जो आज काउंटर वेट टू नाटो इज अ डिफरेंट थिंग आज बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एससीओ, ठीक है, बट जब उतना रिलेशन, बिकॉज आपको पता है इंडिया का वेस्ट के साथ रिलेशन कब बढ़ना स्टार्ट हुआ है, आफ्टर 2017, बिकॉज 2017 में डोकलाम हुआ था, उसके बाद से ही अब तो 2020 में गलवान हो गया है, तो 2017 के बाद ही आपको पता है डोकलाम हुआ, और 2017 के बाद इंडिया ने क्वाड को वापस रिवाइव किया, तो 2017 वाज अगेन अ टर्निंग पॉइंट। तो एक तरफ आप एससीओ के मेंबर हो चुके हो, लेकिन 2017 के बाद अब हालात भी काफी ज्यादा अलग हो रहा है, ठीक है। सो उस समय जब एससीओ जब इंडिया ने ज्वाइन किया था और बाकी कंट्रीज, इट एक्टेड लाइक अ काउंटर वेट टू नाटो, बट आज ये पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं है, स्पेशली फॉर इंडिया, ऑल्दो फॉर रशिया एंड चाइना इट्स अगेन रेलेवेंट, बट इंडिया का आज वेस्ट के साथ रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। देन कंसोलिडेटिंग द फोर न्यूक्लियर पावर्स, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, चार न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, दैट्स अगेन अ वेरी गुड सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन। लास्टली, राइज ऑफ नॉन वेस्टर्न सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, नॉन वेस्टर्न सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी इन एशिया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन एशिया, एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म इन दिस पर्टिकुलर एरिया, सो दैट्स वाई इट्स अ नॉन वेस्टर्न सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है इसका, इट्स नॉट अ अलायंस बेस्ड, इशू बेस्ड पार्टनरशिप, यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे किया जाता है, एससीओ रैट्स का प्लेटफॉर्म है टू काउंटर द लोकल टेररिज्म व्हिच इज प्रेवलेंट इन दिस रीजन, एंटी टेरर एक्सरसाइजेस करते हैं ये कंट्री, इट एक्टेड एज अ काउंटर वेट टू नाटो बिकॉज इट्स अ नॉन वेस्टर्न सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, एंड फाइनली इट इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म आफ्टर अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच ब्रिंग्स फोर न्यूक्लियर पावर। तो कुछ ही प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनाइटेड नेशन हो गया, G20 हो गया, उसके अलावा हमारा SCO। Then 2022 में SCO summit हुआ था, the Samarkand summit, जो आपको पता है, it was very famous in news because यहीं पे Prime Minister Modi ने पुतिन को कहा था कि this time is not the time for war, और वो काफी ज्यादा catchy slogan हो गया in the international discourses। So Samarkand declaration was again the 2022 SCO समिट, उसमें कुछ हुए थे, आप देख सकते हो, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट्स, फॉर्म अ यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वाराणसी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23। तो ज्यादा कुछ आउटकम नहीं आया था एससीओ समिट से। देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको यह समझना पड़ेगा that you have to be very much idealistic about expectations. See, international politics is always in anarchy, right? You cannot expect much from these organizations. United Nations, it is in a complete state of mess. It does not work. The United Nations Security Council is in a state of coma. But should we scrap those organizations? Absolutely no. Although these organizations are performing relatively very poor, but still they are providing a platform where at least you can come and talk. Because agar aap mano ki agar is saal India mein G20 nahi hota, ya G20 jaisa platform nahi hota, SCO jaisa platform hota hi nahi, to aapko pata hai ki after the Galwan, India-China ke relations kaafi kharaab hue hain. After Russia-Ukraine war, Russia ka relation with West kaafi kharaab hua hai. But because of these organizations, at least the countries ke jo head hai, जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो आके मिल तो रहे हैं, बातचीत तो चल रही है, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन ना निकले, बट एटलीस्ट दे आर टॉकिंग, एंड इन दैट एनार्की, इन दैट क्योटिक वर्ल्ड, इफ देयर इज अ स्लाइट ऑफ रेज ऑफ लाइट, दैट्स अ ग्रेट न्यूज।
इसीलिए आपको ये नहीं कि एससीओ या G20 समिट हो जाएगा इस बार इंडिया में तो कुछ बहुत बड़ा आउटकम आ जाएगा, नहीं आएगा। वो बस पेपर में लिख देते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंडिया शुड डू दिस, इंडिया शुड यूज अ प्लेटफॉर्म ऑफ G20 टू ब्रिंग अ लॉ ऑन ब्लॉकचेन। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, दैट डज नॉट हैपन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे काम नहीं करता है। इट इज क्रिएटेड बाई मीडिया एंड सम स्कॉलर्स हु एक्सपेक्ट समथिंग वेरी बिग फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट यस वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो एससीओ एंड G20 इंडिया में हो रहा है, इंडिया हैज प्रोवाइडेड दैट प्लेटफॉर्म। अब यही देखना है कि आप किस तरीके से उस पूरे क्योस में एक मिनिमम रिजल्ट ला सकते हो, मैक्सिमम तो नहीं होगा, एक बेयर मिनिमम वो आप ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, तो बात उसकी होती है। तो देख सकते हो 2022 एससीओ समिट में भी कुछ ज्यादा हुआ नहीं था खास, बिकॉज अगेन एससीओ में बहुत चैलेंजेस हम लोग देखेंगे अभी। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या एससीओ में, सबसे बड़ा चैलेंज खुद सोचो क्या है एससीओ में। एक तो आप देख लो कितने कॉन्ट्रडिक्टिंग कंट्रीज हैं, इंडिया पाकिस्तान सोच लो, पहला तो ये प्रॉब्लम है। सेंट्रल एशिया में आपस में कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। थर्ड, रशिया चाइना के बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज रशिया के लिए सेंट्रल एशिया का जो रीजन है उसको, जिसको वो बैकयार्ड, अपना घर का बैकयार्ड कंसिडर करता है, पोस्ट सोवियत स्टेट्स, वहां पे हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है। बट आज द चाइना एंड जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से चाइना इज स्लोली एक्सपैंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन द सेंट्रल एशियन, विच इज रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ रशिया इन दैट पर्टिकुलर रीजन, एंड दैट्स वाई रशिया हैज ऑब्वियस प्रॉब्लम विद चाइना। सो ये देख, इतनी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं और उनके बीच में आपस में प्रॉब्लम है, तो ये कैसे काम करेगा। सिमिलरली इंडिया का रिलेशन विद वेस्ट काफी बढ़ गया है, सो अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स ऑल्सो आर्ग्यू कि वॉट इज द पॉइंट ऑफ बींग इन एससीओ, जहां पे आपका चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जो एक तरीके से एंटी अमेरिकनिज्म फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका रिलेशन विद अमेरिका इज ग्रोइंग डे बाई डे। सो वाई इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ एससीओ, दैट इज द क्वेश्चन विच समवन शुड आस्क एट द फर्स्ट प्लेस। बट यस ठीक है, इंडिया के लिए एससीओ में होने से कुछ बहुत बड़ा फायदा तो हो नहीं रहा है, आउटकम्स तो कुछ हो नहीं रहे, इंडिया का चाइना का तो कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाया। ऐसा तो नहीं कि एससीओ ने रिजॉल्व कर दिया इंडिया चाइना का डिस्प्यूट, ऐसा तो नहीं एससीओ ने इंडिया पाकिस्तान का रिजॉल्व कर दिया, ऐसा तो नहीं एससीओ में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आना, उसको भी वो नहीं ले आ पाया। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। एक तो पहले 2020 समिट में BRI को एंडोर्स किया गया, आपको पता है कि BRI अफेक्ट्स द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड इंडिया हैज नॉट जॉइंड द BRI प्रोजेक्ट, नो रियल एक्शन टू काउंटर टेररिज्म बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान को रोकने के लिए कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। आप कहते हो कि टेररिज्म को इस एरिया से खत्म करना है, बट यू डोंट हैव टू ओनली शाउट, यू हैव टू एक्ट। थर्ड, मॉस्कोज रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जैसे इंडिया का आपको पता है कि इंडिया परफॉर्म्स द रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द IOR इंडियन ओशियन रीजन, सिमिलरली मॉस्को प्लेज द सेम रोल वेयर इन द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। लेकिन आज वही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को चैलेंज कौन कर रहा है, चाइना। ठीक है, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान, दिल्ली एंड इस्लामाबाद, एज वेल एज किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, नॉट एबल टू रिजॉल्व अफगान स्टेबिलिटी, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था आपका, आप कर तो पाए नहीं। प्रोटेक्ट्स एंड लेजिटिमाइजेस अथॉरिटेरियन रेजिम्स, आप देख लो पाकिस्तान फेल्ड स्टेट, कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी, रशिया चाइना में तो है ही नहीं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में है ही नहीं, ईरान को आप लाने जा रहे हो, अगेन एन अथॉरिटेरियन थियोक्रेसी। सो बात यह है कि आप कह रहे हो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर लाना, बट आप भैया खुद तो डेमोक्रेटिक हो पहले, खुद तो आप अथॉरिटेरियनिज्म को फैलाते हो, खुद आप वायलेट करते हो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट। सो दीज आर सम द चैलेंजेस जो कि एससीओ के साथ जुड़े हुए। अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि इंडिया के लिए एससीओ क्यों सिग्निफिकेंट है। सबसे बड़ा, आपको पता है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था विच वॉज शेप्ड बाय नेहरू, जिसको हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो फॉरेन पॉलिसी था, दैट वॉज ब्रॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर, वेयर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू ब्लॉक्स, one led by USSR and the second western bloc led by the United States.
और उस कॉन्टेक्स्ट में नेहरू ने लाया था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, दैट मींस वी नॉट अलाइन विद एनी ऑफ द टू ब्लॉक्स। इसी चीज को इस गवर्नमेंट ने चेंज किया है, और इस गवर्नमेंट ने नहीं, बेसिकली 1991 के बाद से ये चेंज हुआ है, बट इस गवर्नमेंट ने इसको काफी ज्यादा यू नो थ्योरेटिकल फिलोसॉफिकल वे में चेंज किया है, दैट फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट 1.0 वी हैव शिफ्टेड टू नॉन अलाइनमेंट 2.0। तो जो नॉन अलाइनमेंट 1.0 था वो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी था, स्टेइंग अवे फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स। बट इफ यू गो टू द नॉन अलाइनमेंट 2.0, इट इज नॉट दैट वी विल नॉट विल स्टे अवे फ्रॉम द टू ब्लॉक्स, रादर वी विल एंगेज इक्वली विद द टू ब्लॉक्स। समझो, पहला नेगेटिव है, वी विल स्टे अवे फ्रॉम द टू ब्लॉक्स। सेकेंड इज अ पॉजिटिव, दैट वी विल इंटरैक्ट विद बोथ द ब्लॉक्स बट इन अ इक्वल मैनर। हेंस the best way to express Indian foreign policy at present time is that India is following a multi-alignment foreign policy strategy. Non-alignment क्या आप किसी के साथ align नहीं कर रहे हो, आप दोनों block के साथ equal distance maintain कर रहे हो, but multi-alignment का मतलब कि आप दूर नहीं खड़े हो, आप जाके interact कर रहे हो country के साथ, आप negotiate कर रहे हो different different countries के साथ। तो India is friend of Russia, but India is also a good friend of US. So this is multi-alignment strategy, that you're trying to pursue a strategy where you consider every friend as equal, you're ready to negotiate, you're ready to talk with any of the friend. Unlike the non-alignment 1.0, which meant equal distance from both the blocks. Dono blocks se hame dur rehna hai. But this is about interacting with both the blocks in an equal manner. So the former was a negative and this is a positive. So multi-alignment, from non-alignment to multi-alignment. Strategic autonomy. आपको पता है इंडिया का बिकॉज ऑफ चाइना द रिलेशनशिप हैज इंक्रीज विद द वेस्ट, राइट? बट अगर हम वेस्ट के ऊपर ही केवल डिपेंड करेंगे तो उस केस में इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो देगा, एंड हेंस इंडिया ऑलवेज नीड्स टू बैलेंस दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ रशिया, दैट बॉस आप ही नहीं हो, रशिया भी हमारा फ्रेंड है, तो कल को आप मदद नहीं करोगे हमें चाइना को चैलेंज करने में, वी हैव रशिया ऑल्सो। So that's why it is very important for India to be the platform. इसलिए बहुत सारे scholars, especially सी राजामोहन, कहते हैं कि SCO as an organization is very much irrelevant for India. You cannot expect much results from SCO for India. But at least even if it provides 0.1% of benefit for India, it is worth being in such organization. Then platform for India-China talks, बात तो करते नहीं डायरेक्टली, तो कम से कम इन platforms के थ्रू बात कर लेते हैं। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना का अगेन इन्फ्लुएंस जो सेंट्रल एशिया और इस एरिया में बढ़ रहा है, किस तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करके चाइना का इन्फ्लुएंस, क्योंकि अकेले तो कर नहीं पाओगे, बिकॉज चाइना इज अ बेहमोंथ, बहुत पैसा है, तो अकेले तो आप कर नहीं सकते, कैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यू आर ट्राइंग टू एंश्योर योर इंटरेस्ट इज सर्व्ड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना गोज डाउन। Engage collectively with the Central Asian states. आपको पता है इंडिया और सेंट्रल एशिया का बहुत बड़ा रिलेशन जो है, इट ऑलवेज सफर्स फ्रॉम द टेरिनी ऑफ डिस्टेंस, बहुत दूर है, कनेक्टिविटी नहीं है, और इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ हमारा कुछ अच्छा बातचीत भी नहीं, ऑल्दो इन द रीसेंट टाइम्स अब तो हमारा समिट लेवल पे अपग्रेड हो गया इंडिया सेंट्रल एशिया का रिलेशन, बट हिस्टोरिकली द रिलेशनशिप हैज नॉट बीन दैट मच यू नो गुड। But such kind of platforms provide us to engage collectively with the Central Asian states. Next, it recognizes India's role beyond the South Asia and thus surpasses the physical and the psychological barrier created by the Pakistan. So India, jo hamesha keval South Asia mein involved rehta hai, because ek taraf aapka Pakistan hai, jiski wajah se we are not able to connect with the SCO. Then you have Afghanistan now, led by Taliban. So such kind of platforms basically ensure कि इंडिया का प्रेजेंस बाकी कंट्रीज में भी हो, ठीक है? पार्टिसिपेशन इन अफगानिस्तान स्टेबिलिटी प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी राजामोहन कहते हैं अपने इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में कि अफगानिस्तान हैज बिकम द मेजर पॉइंट और द मेजर ड्राइविंग फोर्स एज टू व्हाई एससीओ कंट्री शुड कम टूगेदर, कोऑपरेट एंड मूव ऑन। तो अफगानिस्तान में जो अभी तालिबान की सरकार आ गई है, उसके लिए एससीओ कंट्रीज का एक साथ आना और अफगान स्टेबिलिटी को एक ठीक करना, दैट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट एससीओ। आप देखोगे तो एससीओ को ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, इतने से आपका एग्जाम के लिए कंटेंट काफी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एससीओ,
You have to understand the origin of SEO, the evolution of SEO, objectives of SEO, significance of SEO, and what is the significance of India for SEO. बाकी कुछ factual information आप डाल दोगे कि हाँ इस समय summit होगा, यहाँ पे summit होगा and all those things. वो facts हैं. And finally, the SEO summit को जो outcome आएगा, you can update it कि क्या outcome आया summit का. I will make a video then also. ठीक है. So अगर मैं my take पूछोगे आप कि what is the take of mine, ठीक है, क्या मेरा टेक हो सकता है आपका इस पूरे पर्टिकुलर इश्यू पे, तो सबसे बड़ा आपको अगर देखोगे एसईओ, ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइजेशन विच वुड ब्रिंग यू नो रिजॉल्व अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ इंडिया. इंडिया का इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकता एसईओ. फॉर एग्जांपल इंडिया का रिलेशन विद पाकिस्तान, इंडिया का रिलेशन विद चाइना, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एसईओ ठीक नहीं कर सकता है. दैट्स परफेक्टली फाइन बट स्टिल बिकॉज चाइना एक इतना बड़ा थ्रेट है हमारे पास, a dragon which is dancing right next to our door, we have to hedge. And उस हेज में ऐसे platforms जो कि नॉन वेस्टर्न platforms हैं, क्योंकि वेस्ट के साथ तो हमारा ऑलरेडी अच्छा रिलेशन चल रहा है, क्वाड वॉट है ही, बट टू हेज अगेंस्ट चाइना एंड टू ऑल्सो हेज अगेंस्ट सच काइंड ऑफ वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स, एसईओ प्रोवाइड्स दैट राइट प्लेटफॉर्म. बिकॉज एसईओ की वजह से इंडिया इज ट्राइंग टू यू नो इंश्योर इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. बिकॉज अगर मान लो रशिया नहीं होता और आज एसईओ में केवल चाइना रहता, तब तो एसईओ कोई रेलेवेंट ही नहीं है. तो इंडिया, अगर मान लो रशिया जैसी कोई कंट्री नहीं होती आज, तो इंडिया को अगर चाइना को रोकना होता तो इंडिया नीडेड द सपोर्ट ऑफ वेस्ट. उस केस में वी वुड हैव कंप्लीटली बिकेम डिपेंडेंट ऑन वेस्ट, और उससे फिर हमारा अपना सारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो जाता. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रीज लाइक रशिया एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक एसईओ, इंडिया इज एबल टू एंश्योर इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दैट आई कैन काउंटर चाइना बट आई डोंट नीड टू डिपेंड ओनली ऑन वेस्ट. आई हैव अदर ऑप्शंस, आई हैव अदर फ्रेंड्स, आई हैव अदर प्लेटफॉर्म्स टू डू दैट. सो ऑन द वन हैंड आई हैव क्वाड, बट ऑल्सो आई हैव एसईओ. So Quad will focus on Indo-Pacific to hedge India's interest against the growing threat of China. SEO platform will ensure to hedge India's interest in the Central Asia against the growing dominance of China. So these all are hedging instruments which India is trying to ensure. Aur in sabse fayda kya ho raha hai ki India is able to preserve its strategic autonomy. To wahi keh raha hai ki it is essential for India's multi-alignment foreign policy. As long as threat of China remains, such platform will always remain relevant in India's mind. ठीक है, तो इसीलिए ये जो platform है, although it is not worth बहुत बड़ा significant platform नहीं है, but still India के कुछ structural problems हैं और India का जो foreign policy है उसको SEO platform serve करता है. ठीक है, so questions क्या expect कर सकते हो? SEO has emerged as a key platform for ensuring India's strategic ऑटोनॉमी. कमेंट, ठीक है, तो यहां पे आपको वही लिखोगे कि एससीओ का भी मेंबर है हम, ब्रिक्स का भी मेंबर है और एक तरफ क्वाड का भी मेंबर है. तो बेसिकली देखो, पूरा समझो, इंडिया का जो पूरा फॉरेन पॉलिसी है आज वो इसी चीज में रिवॉल्व कर रहा है, हाउ टू मैनेज द ड्रैगन द चाइना, कैसे उसको मैनेज करें. उसके लिए हमने पढ़ा था पहले भी कि इंडिया इज गोइंग फॉर इंटरनल बैलेंसिंग, एक्सटर्नल बैलेंसिंग. एक्सटर्नल बैलेंसिंग में वी आर गोइंग विद क्वाड, देन वी आर गोइंग विद एससीओ, राइट. तो इसलिए एसईओ एज अ प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो चाइना को रोकने के लिए, और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एसईओ इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंश्योर करता है. सो ये दोनों पर्सपेक्टिव्स एसईओ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो आई होप कि आपको ये लेक्चर सेशन इंटरैक्टिव इंफॉर्मेटिव लगा हो. ये क्वेश्चन है, आप इसको लिख के मेरे जीमेल आईडी पे भेज सकते हो अपने नाम के साथ, सो दैट आई whenever I get time, I may check it also. kumsujay@gmail.com. ठीक है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के बाद हमारा एसए का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, विच इज गोइंग टू हैपन इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड. So that is a session which I personally like and recommend to everyone to join, because वो एक ऐसे का session होगा जिसमें students will be interacting among other students. So उसके through हम लोग ऐसे को cover करेंगे. So it's going to be a completely innovative method as to how to break that hesitancy, to break that shyness and get out in the crowd and speak your mind out.
So if you write this question, please feel free to mail me. I hope that you like this session. Thank you. See you again. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.